प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर की, जो कि अगर हम उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सिंगल या मल्टीपल मोटर या वोकल टिक्स होंगी, यानी दोनों साथ भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक इंडिविजुअल है उसे मोटर टिक्स और वोकल टिक्स साथ भी हो सकती हैं, या फिर सिर्फ उसको मोटर टिक्स होंगी या फिर सिर्फ उसको वोकल टिक्स होंगी, इस तरह। बी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो टिक्स जो हैं वो कम ज़्यादा होती रही होंगी फ्रीक्वेंसी में, मगर एक साल तक रही होंगी उस इंडिविजुअल में उसके फर्स्ट टिक्स से लेकर। सी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये ऑनसेट जो है वो 18 साल से पहले हुआ हो। डी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टर्बेंस जो है वो कॉज ना हो रही हो किसी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल अफेक्ट के, जैसे कि कोकेन हो गया, या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन के थ्रू या उसका कॉज ना हो, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज या पोस्ट वायरल एसेफलाइटिस। ई क्राइटेरिया ये है कि ये टोरिड डिसऑर्डर के परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पर कभी भी ना उतरा हो।